क्या सही में वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने से मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे? इसका जवाब है हाँ। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा सही तरीके से वीडियोस अपलोड कैसे करते हैं और क्यों मैं अपने शॉर्ट चैनल पे वीडियोस को यूट्यूब ऐप से अपलोड करता था, क्रोम से नहीं। बिकॉज यूट्यूब ऐप तुम्हें एक हिडन फीचर देता है जिसको यूज करके तुम लाखों में एक्स्ट्रा व्यूज ले सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, यूट्यूब पे वीडियोस क्रोम से अपलोड करना चाहिए या यूट्यूब एप्लीकेशन से या फिर YT स्टूडियो की ऐप से? अरे अभी तुम्हीं ने तो बोला था यूट्यूब एप्लीकेशन से ज्यादा व्यूज आते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियोस क्रोम से अपलोड करता हूँ और तुम्हें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में तुम भी वीडियोस क्रोम से अपलोड करो। आओ बताता हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं क्रोम पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन कैसे करते हैं। सिंपली क्रोम ओपन करो एंड सर्च करो youtube.com, देन तुम्हें पेज को डेस्कटॉप साइट पे स्विच करना होगा। स्विच करते ही तुम्हें बस अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ तुम्हें YouTube स्टूडियो लिखा दिखेगा, सिंपली उस पे लॉन्ग प्रेस करो, देन ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर दो। तुम देख सकते हो तुम्हारा YT स्टूडियो न्यू टैब में ओपन हो गया होगा। ओके, अब आते हैं क्यों तुम्हें स्टार्टिंग में क्रोम से ही वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। बिकॉज तुम देख ही सकते हो जब भी तुम एक वीडियो क्रोम से अपलोड करते हो तुम्हें कितने सारी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, और वहीं अगर मैं यूट्यूब ऐप से वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मुझे बस कुछ ही सेटिंग्स मिलती हैं। तो क्या ज्यादा सेटिंग्स मतलब ज्यादा व्यूज? नहीं, बट अगर तुम एक बिगनर हो तो तुम्हें इन सारी सेटिंग्स का मतलब पता होना चाहिए, राइट? और वो तभी होगा जब तुम क्रोम से वीडियोस अपलोड करोगे, बिकॉज तभी वो तुम्हें शो होंगी। बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग से ही यूट्यूब ऐप से वीडियोस अपलोड करने लगोगे तो तुम इन सेटिंग्स को कभी देख ही नहीं पाओगे, और फिर अगर फ्यूचर में इन सेटिंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तुमसे तो तुम्हें फिर से कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। बात तो सही है भाई, मैं वीडियोस क्रोम से अपलोड करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वीडियो अपलोड करते टाइम वीडियो को अनलिस्ट करूँ, प्राइवेट करूँ, शेड्यूल करूँ या फिर पब्लिक ही कर दूँ? और क्या वीडियो को प्राइवेट करने से मेरे व्यूज कम आएंगे? नहीं, लेकिन अगर तुमने तुरंत पब्लिक कर दिया तो जरूर तुम्हारे व्यूज बहुत कम आने वाले हैं। वो इसलिए बिकॉज जब भी तुम एक वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब तुम्हारी वीडियो में कुछ चीजें चेक करता है, लाइक दिस। इनमें फर्स्ट आइकन ये शो करता है कि तुम्हारी वीडियो कितनी अपलोड हो चुकी है। देन जैसे ही तुम्हारी वीडियो फुल्ली अपलोड हो जाती है यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को प्रोसेस करता है। इन शॉर्ट यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को उस क्वालिटी में कन्वर्ट करता है जिस क्वालिटी में तुम्हारी वीडियो एक्चुअल में है। लाइक 1080p में है तो 1080p में करता है, 4K में है तो 4K में। और थर्ड स्टेप में वो ये चेक करता है कि कहीं तुमने कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो यूज नहीं किया है अपनी वीडियोस में। पर भाई तूने ये तो बताया ही नहीं कि तुरंत पब्लिक करने से मेरे व्यूज कम क्यों आएंगे। ओके, बताता हूँ। क्या तुम कोई भी वीडियो इस क्वालिटी में देखना पसंद करोगे? नहीं, राइट? और अगर मैं ये बोलूँ इस वीडियो की क्वालिटी 4K है तो पागल है तू, बिकॉज ये 144p भी नहीं लग रही है। एग्जैक्टली यही होता है जब तुम कोई वीडियो या शॉर्ट अपलोड करते टाइम ही पब्लिक कर देते हो। बिकॉज जब भी तुम कोई वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब को थोड़ा टाइम लगता है उसकी क्वालिटी को इक्वलाइज करने में, और यही रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी कोई वीडियो को तुरंत पब्लिक नहीं करना चाहिए। भाई तो क्या इस वीडियो की क्वालिटी हमेशा ऐसी रहेगी? नहीं, वो 15-20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। भाई समझ गया कि तुरंत पब्लिक नहीं करनी चाहिए, पहले अनलिस्ट करनी चाहिए। अनलिस्ट क्यों? क्यों क्या, अनलिस्ट करने से ही तो व्यूज आते हैं? किसने बोला? अरे सब यही तो बोलते हैं, अनलिस्ट करो अनलिस्ट करो। हाँ बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है तुम अनलिस्ट ही करो, तुम प्राइवेट या डायरेक्ट शेड्यूल भी कर सकते हो। सही में? आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को प्राइवेट करके अपलोड करूंगा, फिर देखते हैं उस पे व्यूज आते हैं या नहीं। तुम देख ही सकते हो ये वही वीडियो है जिसको मैंने प्राइवेट किया था, और इस पे अभी के टाइम पे कितने सही व्यूज आए। भाई प्राइवेट या अनलिस्ट करने से व्यूज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये बताओ इन सब में डिफरेंस क्या होता है? ओके, आओ शॉर्ट में बताता हूँ। अगर तुम वीडियो को प्राइवेट करते हो तो तुम्हारे अलावा कोई भी उस वीडियो को नहीं देख सकता, भले ही तुम्हें यहाँ लिंक शो हो रहा हो वीडियो का, लेकिन इस लिंक के थ्रू भी कोई भी तुम्हारी वीडियो को देख नहीं सकता। बट अगर तुम अनलिस्ट सेलेक्ट करते हो तो तुम उस वीडियो को इस लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम जब कोई स्पॉन्सर वीडियो बनाओगे तो तुम्हें एक बार स्पॉन्सर को वो वीडियो दिखानी पड़ती है, बिकॉज तभी वो अश्योर कर पाएगा कि तुमने उसका प्रोडक्ट मेंशन किया है वीडियो में, राइट? लेकिन तुम खुद सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा जब तुम उसको वीडियो डायरेक्ट भेजोगे, यानी कि तुम्हें यहाँ से पहले अपलोड करनी पड़ेगी, फिर उसे डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वहीं एक और ऑप्शन है, तुम इस वीडियो को अपलोड करो यूट्यूब पे और सेलेक्ट कर दो अनलिस्ट, देन उस वीडियो का लिंक स्पॉन्सर को शेयर कर दो। ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, राइट? बिकॉज इसमें जैसे ही स्पॉन्सर ये अश्योर कर देगा कि वीडियो इज ओके, देन तुम यहीं से वीडियो को पब्लिक भी कर सकोगे। भाई एक क्वेश्चन है, क्या सही में इस चार्ट में जो टाइमिंग मेंशन है उस टाइम पे वीडियो अपलोड करने से ज्यादा व्यूज आते हैं? नहीं, इनफैक्ट ये चार्ट तुम्हें स्टार्टिंग में मिलता ही नहीं है। तो कब मिलता है ये चार्ट तुम्हें? स्टार्टिंग में तभी देखने को मिल सकता है जब तुम्हारे व्यूज अराउंड 50K प्लस हो जाते हैं। तो क्या ये चार्ट किसी काम का नहीं हमारे लिए? डिपेंड्स ऑन कि तुम लाइव करते हो या नहीं। मतलब ये कि ये चार्ट स्ट्रीमर्स के लिए है। कैसे?
वो ऐसे कि तुम देख सकते हो यहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग लिखी हुई है कि कब तुम्हारे व्यूवर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब तुम उस टाइम पे लाइव करोगे तो तुम्हारी वॉचिंग ऑन पीक होने वाली है। बाय द वे सॉरी, इस थंबनेल वाली वीडियो को बनाते टाइम मुझे ये नहीं पता था कि लेयर वाला ऑप्शन अभी बस आईफोन में आया है, एंड्रॉइड में नहीं। तो कमेंट में जिस भी ऐप से तुम थंबनेल बनाते हो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी ऐप से तुम्हें थंबनेल बनाना सिखा दूंगा। बैक टू पॉइंट, भाई ये बताओ ना, फोन से शॉर्ट्स अपलोड करूं तो व्यूज ज्यादा कैसे आएंगे? ओके बताता हूं। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम क्रोम से शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो तुम्हें थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और वहीं अगर तुम फोन से यूट्यूब एप्लीकेशन का यूज करके शॉर्ट को अपलोड करते हो तो तुम्हें यहाँ पेंसिल वाला आइकन जो होता है जिसका यूज करके तुम शॉर्ट के किसी भी फ्रेम को थंबनेल बना सकते हो। आओ तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सिंपली फोन पे यूट्यूब ऐप ओपन कर लो, देन यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो, देन जो भी शॉर्ट तुम्हें अपलोड करनी है वो सेलेक्ट कर लो, देन स्टिक वाले आइकन पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ तुम्हें पेंसिल वाला आइकन जो हो रहा होगा उस पे क्लिक कर दो, देन यहीं से तुम कोई भी फ्रेम को अपना थंबनेल बना सकोगे। इसका फायदा ये होता है कि तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम यूट्यूब ऐप ओपन करते हो तो कुछ शॉट तुम्हारे होम स्क्रीन पे शो होती है, और अगर तुम कोई भी शॉट को यहीं से क्लिक करके देखते हो तो वो शॉट आगे और लोगों की होम स्क्रीन पे शो होने लगती है, और उसका एक अलग CTR काउंट होता है। तो अगर तुम इस थंबनेल वाला फीचर का कभी यूज करोगे तो इन फ्यूचर में कभी तुम्हारे शॉर्ट फीड से व्यूज कम आने स्टार्ट हुए तो मे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से आने लगेंगे। बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी वीडियो का टाइटल, बिकॉज वही देख के कोई ये डिसाइड करता है कि उसे तुम्हारी वीडियो देखनी है कि नहीं, और इस वीडियो को तुम देख के ये जान सकते हो कि एक अच्छा टाइटल कैसे लिखते हैं।